अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको हमेशा खुश रखे। तो चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। और आज की हमारी रेसिपी है सी फूड लवर्स की जान क्रैब करी। तो चलते हैं, बनाते हैं फिर जी। तो अपने क्रैब करी के लिए सबसे पहले हम लोग ले लेंगे क्रैब। क्रैब का एक्चुअली हमें जो मीट के साथ हमें एक तो ये वाला पार्ट चाहिए होता है उसका, और ये इनकी वॉकिंग लेग्स होती है। इसको हम लोग साइड में कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे वॉकिंग लेग्स हैं उसे। वॉकिंग लेग्स को हम लोग ज़ाया नहीं करेंगे। इसे हम लोग थोड़ा सा जो है सूखा धनिया उसमें उसके साथ ब्लेंडर में ब्लेंड करके तो स्ट्रेन कर लेंगे, तो उसका बड़ा अच्छा सा हमें कीमा टाइप जो पेस्ट है जो प्योर है वो मिल जाएगा। तो इसी तरह सब हम लोग क्रैब अपने कर लेते हैं क्लीन। तो ये हो गई जी हमारा जो क्रैब मीट। तो अभी हमारे क्रैब के जो वॉकिंग लेग्स हैं वो चली जाएंगी इसमें ब्लेंडर जार में। थोड़ा सा डाल लेंगे धनिया, सूखा धनिया, और थोड़ा सा पानी ले लेंगे ताकि थोड़ा अच्छा सा पेस्ट बन जाए, ज़्यादा ड्राई ना रहे, ताकि मशीन को भी चलने में आसानी हो। ये कवर हो गया बंद, इसका मशीन कर देंगे ऑन। तो ये हो गया हमारा प्यूरे रेडी। तो ये ज़रूरी नहीं, ये कोई ऐसा ज़रूरी पार्ट नहीं है कुकिंग का, ये नहीं होगा तो कुकिंग होगी नहीं हमारी क्रैब करी की। सिर्फ इसलिए कि मैं वेस्ट नहीं करना चाह रहा था इसे बिल्कुल भी। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मीट होता है, कि ऐसा करने से एटलीस्ट उसका जो प्यूरे है वो जो उसका अंदर का मीट है वो लिक्विड की शेप में निकल आ जाता है। और स्ट्रेन कर लेते हैं हम इसे लिक्विड को, चाहिए तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं ताकि अच्छे से निकल जाए हमारा जो मीट है उसके जो सूप के अंदर से जो खड़े मसाले हैं। उसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसे स्लाइस कर लिए। तकरीबन 1/4 कप है हमारे पास खोपरा, नारियल का वो जो खोपरा होता है ना, तो अगर आपके पास जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे अवेलेबल है तो यूज़ करेंगे, टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा। अगर नहीं है तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, उसके बगैर भी बना सकते हैं। फिर 2 खाने के चम्मच लिए तेल के, 1 टीस्पून लिए साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून लिए साबुत धनिया, और 1 टेबलस्पून लिए तिल के तेल सेसमे सीड जो है। तो अभी इनको फ्राई कर लेते हैं अच्छा सा। सबसे पहले पैन गर्म कर लिए, इसमें हमारा चला जाएगा ऑयल, हमारा खोपरा चला जाएगा इसमें, हल्का सा फ्राई करेंगे इसे। साथ इसमें हमारी चली जाएगी प्याज, तो हम लोग अपनी प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक हम लोग इसे फ्राई करेंगे। तो जो प्याज हमारी हुई है ट्रांसलूसेंट, उसने अपना कलर चेंज कर लिया, इसे ब्राउन नहीं करना बहुत ज़्यादा। अभी हमारे खड़े मसाले चले जाएंगे इसमें, 2 से 3 मिनट के लिए बस रोस्ट कर लेंगे इसे, और फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे अपने ब्लेंडर जार में इसके प्यूरे बनाने के लिए। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है, और जितने खतरनाक केकड़े क्रैब जो देखने में लगते हैं उतना ही खतरनाक टेस्ट आएगा इसका, करी का इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है जो क्रैब मीट का। अभी गैस को करेंगे बंद और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे हम लोग। यानी मसाला हो गया हमारा ठंडा, हमारा ब्लेंडर जार में चला जाएगा हमारा मसाला। अभी इसमें हमारा चला जाएगा पिसा मसाला, उसमें से हम लोगों ने ले लिया है 1/2 टीस्पून ले लिए लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून ले लिए हल्दी, और 1 टीस्पून ले लिए गरम मसाला। और मैंने लाल मिर्चें कम इसलिए रखी हैं कि मैं 2-3 हरी मिर्चें भी डाल रहा हूँ। अगर आप नहीं हरी मिर्चें डाल रहे तो उस हिसाब से देख लिया। ये चला जाएगा हमारा ब्लेंडर जार में सारा कुछ, उसके साथ थोड़ा सा हरा धनिया के पत्ते चले जाएंगे, और 1-1 चम्मच चला जाएगा
लहसुन और अदरक के पेस्ट का। साथ ही हमारे चले जाएंगे दो टमाटर मीडियम साइज के कटे। हम लोगों ने तो घर के जो टमाटर है उतार के उनकी प्योरे बना के तो सेव किया है, क्योंकि अगर प्योरे है ठीक है, नहीं तो आप दो मीडियम साइज के टमाटर काट के बीच में वो डाल दें। ये हमारा चला गया सारा मसाले इसमें, अभी इनको अच्छे से कर लेंगे, अभी बना लेंगे अपनी अच्छी सी स्मूथ सी पेस्ट इसकी बना लेंगे। अगर आप फील करें कि आपकी मोटर सही से वो ब्लेंडर नहीं चल रही तो हल्का सा आप इसमें पानी का छटा मार सकते हैं ताकि वो आपकी जो ब्लेंडर है जो मशीन है वो स्मूथ से चले। तो ये देखिए हमारी जबरदस्त मसाला उसका हमारा तैयार था। अभी चलते हैं इसकी बुनाई की तरफ, मसाले की फ्लेम को कर देंगे ऑन और अपना वॉक ले लेंगे। उसमें 2-3 टेबलस्पून हम लोग डाल लेंगे कुकिंग ऑयल के। जैसे हमारा तेल गर्म हो जाता है तो हम लोग अपने मसाले को मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो तेल हो गया हमारा गर्म, अभी चला जाएगा हमारा मसाला। जबरदस्त खुशबू आनी शुरू हो गई मसाले से। मिक्स कर लेंगे अच्छे से, भून लेंगे। थोड़ा सा पानी चाहिए हमें, तो ब्लेंडर जार में थोड़ा सा मसाला लगा रह गया था इसलिए उसी में पानी डाल के तो जितना पानी चाहिए वो डाल लेंगे ताकि हमारा अच्छे से, ये देखिए ब्लेंडर जार में से जितना मसाला था सारा आ गया पानी के साथ। अच्छे से तकरीबन 5-7 मिनट तक भूनेंगे, जब भूनेंगे जब तक इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा हमारे जो ग्रेवी है उसका। अभी साथ ही डाल देंगे हमारे वॉकिंग लेग्स का जो हम लोगों ने प्योरे बनाया था वो, और यहाँ पे हम लोग डाल लेंगे नमक अपने टेस्ट के। मैं 1 टीस्पून ले रहा हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से जिस हिसाब से मिर्च रखेंगे उसी हिसाब से नमक डाल लेंगे। थोड़ा सा भूनेंगे इसे और मज़ीद, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए जब तक हमारी ग्रेवी और हमारा तेल ऊपर आ जाए, तो फिर हम लोग अपने क्रैब उसमें डाल के तो 5-7 मिनट के लिए दोबारा पका लेंगे, क्योंकि क्रैब को पकने में इतना टाइम नहीं चाहिए। इस स्टेज पे आप अपना नमक मिर्च चेक कर लें, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है नमक की तो नमक डाल सकते हैं, अगर मिर्च कम है तो कोशिश करें हरी मिर्च डालें, लाल मिर्च क्योंकि जब ग्रेवी रेडी हो जाएगी मसाले भून के तो बाद में लाल मिर्च डालेंगे तो अच्छी नहीं है। मैंने इमली पड़ी हुई नज़र आई मुझे तो मैं वही डालने लगा ताकि थोड़ा अच्छा सा सावरी सा टेस्ट आ जाए। ऐसे पड़ी पड़ी नज़र आ गई डालिए, आपको पसंद तो नहीं डालिए, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है वो खट्टा सा टेस्ट इसलिए थोड़ा डाल दिए। ये देखिए हमारा तकरीबन मसाला जो है बन गया है, ऑयल हमारा ऊपर आ गया। तो अभी इस टाइम पे हम लोग अपना क्रैब ऐड करके तो मज़ीद 5-7 मिनट तक इसे पका लेंगे। ये जाएंगे हमारे क्रैब, इतनी खट्टी मिली थोड़ी सी मुँह में डाली सही से बोला भी नहीं जाता। ये चलेगा क्रैब, थोड़ा सा इसे हिला लेंगे। थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट इसे पका लेंगे, धनिया के साथ गार्निश करेंगे और हमारी क्रैब कड़ी रेडी। तो ये देखें जी हमारी माशाल्लाह जबरदस्त सी क्रैब कड़ी रेडी है। आप इसे राइस के साथ लें, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ लेंगे बहुत टेस्ट आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो नॉन वेज खाते हैं। तो अगर अच्छी आए लगे पसंद आए तो थम्स अप दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई अपनी रेसिपी के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आसपास सबका ख्याल रखें।
कल एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।